वही मुझे लगता है दूसरी तरफ राज्य मंत्री अनूप दानक जी ने एक तरफ तो जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो दिखा दिखा के घर में जाके वोट मांग लिए और उसके बाद में छात्र युवाओं को बरगलाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को ये कहा बेटी आप इनसे अलग हो यह हमने या, कभी हमारी जिंदगी में किसी बहन और किसी बेटी का कोई मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि बहन बेटियां सबकी बराबर होती है सबकी संधि होती सर हम आरोप लागन लाग रहे राजनीति में बिचारी छोरी गवर्नमेंट कॉलेज में अनूप दानक जी खुद पढ़ते थे बस मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ अनूप जी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो कौन सा आपका रोल नंबर है और क्या क्या वो चीज़ है अपना वो चीज़ें बता दो आप इतने पागल तो हो नहीं अपना स्टिकर अपनी बेटी को देकर उसको भेज दोगे आप खुद ही पढ़ते हो बस अपना डिटेल हमें बता दे दो आप कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हो ये।, ये अनूप धानक जी के बेटे वीरे का मेरे पास फोन आ गया मैं उनको जानता नहीं था क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में आज तक मंत्री के बेटे होने के नाते भी आज तक कोई छात्र युवाओं की आवाज़ तो उठाई नहीं कल हमारे बच्चों ने एक फैसला लिया और वो फैसला लेके मुझे आदेश दिया वहाँ पे जाए आज जे वालों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा इनको पता है कि संविधान की इन्होंने हत्या करी है ये बस एक बात बार बार कह रहे हैं बोला लड़की का मुद्दा उठा लिया लड़की का मुद्दा उठा लिया तो आपके माध्यम से इनसे एक बात पूछता हूं बड़ी विन्द्र वहां मैंने घास कटवाने की लड़ाई लड़ी और एन एस एस ग्राउंड से घास कटवाई वहाँ भी मेरे ख्याल में मंत्री जी की बेटी बैठती है तो मैंने उनकी जीत करवाई पानी के मैंने संघर्ष करा पानी की मैंने जीत करवाई मैंने नई आरू लगवाई वो भी मैंने मंत्री जी की स्वच्छ पानी पिलाया मैंने उनकी जीत करवाई वहाँ मैंने सफाई अभियान चलाया और छः छः घंटे अपने हाथ से हमने झाड़ू लगा के उसको साफ़ कर वो गंदगी मैंने अनुप दानिक जी की बेटी के लिए साफ़ करिए वो वहाँ जाती है कैंटीन के अंदर बैठ राम राम शबनम में पिंके के किनारा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा फिलहाल वही फ्रेम में आप देखने लग रहे हो गए साइलदीप कशवा हमारे साथ मौजूद हैं पिछले दो दिन में आपने काफ़ी बवाल देखा होगा राज्य मंत्री अनुप दानक की लड़की जो थार में आया करती कॉलेज में क्योंकि सिर्फ उनकी थार थी अंदर एंट्री थी स्टाफ की बस खड़ी हुआ करती या फिर कार खड़ी हुआ करती जो भी मतलब बड़े साधन खड़े हुआ करते ओडे उसकी थार की खड़ी होने की जगह थी स्पेशल एम एल ए का स्टिकर गाड़ी के ऊपर था हालांकि यह चीज़ आप भी समझो हो एम एल ए अनूप जी हैं उनकी लड़की एम एल ए नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी एम एल ए का स्टिकर गाड़ी के ऊपर था स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई लेकिन उनकी सुनवाई ना होने के कारण छात्र नेता साहिलदीप कशवाहा ने, ने आवाज़ उठाई और काफ़ी इस चीज़ पर एक ऑडियो भी वायरल हुई जो आपने अपने चैनल पर पहले भी देखी होगी और कल जो मतलब इनकी मांगें मानी गई हैं वो कौन सी इनकी मांग थी कौन कौन सी मान ली पूरा मतलब मामला क्या होया था गहरा इतना जानने की कोशिश करेंगे नमस्कार बहन जी बेंजी नमस्कार और आज आपके माध्यम से रियल हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और इस चीज़ के अंदर बात यह है जी एक बात कही जाती है भला रक्षक ही अगर बक्शक बन जाए तो इंसान क्या करे आज हम हमारे कॉलेजों की स्थिति देखते हैं तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज की स्थिति तो आप ईमानदार पत्रकार छायाकार बंधुओं के सामने आ गई स्टूडेंट्स के सामने आ गई छात्रों ने इसकी मुद्दा उठा लिया इसकी लड़ाई लड़ ली लेकिन कितने ही कॉलेज में कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं कहता हूँ इसी भी दयनीय हालत है जिसकी मेरे ख्याल में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है जिसकी मेरे ख्याल में कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है बल्कि उन बच्चों के ऊपर राजनीति करने वाले मैं मानता हूँ हज़ारों पड़े हैं चाहे मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता हज़ारों लोग हैं उनकी राजनीति करते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं हम दोबारा हमारी बात पर आते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज की बात थी तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज की ये बात शुरू हुई थी आज से दो साल पहले कि दो साल हमारे बड़ी माननीय राज्य मंत्री अनूप धानक जी की बेटी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ती थी उसके बाद में एक्चुअली क्या था कि दो थार आती थी कॉलेज के अंदर एक तो टीचिंग स्टाफ की थी और दूसरी उनकी थी तो बच्चे इस पर गौर नहीं कर पाए लेकिन डेढ़ महीने पहले ये चीज स्पष्ट हुई बोले ये तो अनूप धानक जी की बेटी आती है थार के ऊपर क्योंकि उसके ऊपर एमएलए का स्टिकर लगा हुआ था तो दस दिन पहले बच्चों ने हमारे संज्ञान में ये बात दी तो मैंने फिर बात में प्रिंसिपल साहिबा के सामने बच्चों के अधारे के ऊपर ये बात उठाई बोला मैडम देखो कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर होते है और आप एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हो तो आपका फर्ज बनता है आज अगर गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी बच्चे की गाड़ी की एंट्री नहीं है ओनली स्टाफ पार्किंग अलाउड है तो स्टाफ पार्किंग में एक मंत्री की बेटी होने के नाते अगर मेन गेट खुल रहे हैं गार्ड उनको सलामी मार रही हैं एमएलए का स्टिकर लगा के काली फिल्म करके काली गाड़ी लेके वो अंदर आ रही हैं तो तक ये संविधान नहीं क्या तक ये संविधान को मानने वाले लोग हैं तो मैडम ने हमें ये कहा कि कोई बात नहीं साहि इस पर हमें संज्ञान में लेंगे इस पर हम कार्रवाई करेंगे उसके मेरे ख्याल में पंद्रह बीस मिनट बाद अनूप धानक जी के बेटे वीरेन का मेरे पास फोन आ गया मैं उनको जानता नहीं था क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में आज तक तो एक मंत्री के बेटे होने के नाते भी आज तक तो कोई छात्र युवाओं की आवाज़ तो उठाई नहीं उठाते हैं तो शायद मैं उनको जानता उनका फोन आया बोले जी आपको इसमें क्या तकलीफ है मैं भाई मुझे इसमें तकलीफ नहीं है तकलीफ इसमें पाँच हज़ार बच्चों को है और दूसरा छोटे भाई वो वीडियो आपने भी सुनी है मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने बार बार उनको इसी चीज़ में गया मैं छोटे भाई आज आप मंत्री के बेटे हो आपका फर्ज ये बनता है कि हमारी आज किसी बच्चे को जरूरत ही नहीं है आप अगर बेदर्ज तरीके से बच्चों के मुद्दे उठाते हो बच्चों की लड़ाई लड़ते हो तो हमारी जरूरत ही नहीं है आप अपनी बहन की हमारी बिटिया की हमारी गुड़िया की गाड़ी बाहर खड़ी कराओ अर नहीं बाकी बच्चों की getElementById उनकी गाड़ी भी अंदर करवाओ तो उनका जवाब आया बोला कि हमारी गाड़ी तो ऐसे ही जाएगी मैं ठीक है जी कोई बात नहीं मैंने उसके बाद अभी बार-बार इनको यह समझाने की कोशिश करी मां-बाप गाड़ी अंदर मत करो बच्चों की बहुत दिक्कत हो रही है बच्चे बार-बार हमें कंप्लेंट्स कर रहे हैं हम पे विश्वास करिए आज तक हमारा रिकॉर्ड रहे हमने कभी हमारी जिंदगी में किसी बहन और किसी बेटी का कोई मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि बहन बेटियां सब की बराबर होती है सब की संजी होती है भाई ये ये कल तो सरे हमारा अप लागन लाग रहे राजनीति में वो बिचारी छोरी धकेल दी तुमने लड़की हमारी बेटी है हमारी गुड़िया है मैं आज भी कहता हूँ और आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखो मैं हा हर वीडियो के अंदर और हर बात में मेरे पत्रकार साथियों के सामने एक ही बात कह रहा हूँ कि ये कोई लड़की का मैटर नहीं है जैसे अपने घर में बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे जो बाकी पाँच हज़ार बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप उनको संस्कार दे रहे हैं मेरा बेटा पूरी जिंदगी हमने गरीबी देखी है हमने मजदूरी करी हमने किसानी करी हमने जमींदारा की है तो आप पढ़ लिख के कामयाब हो ताकि हम कामयाब हो सके अपना घर भी बेसर कर सकें वही मुझे लगता है दूसरी तरफ राज्य मंत्री अनूप धानक जी ने एक

सड़कों के ऊपर कॉलेजों के अंदर हड़ताल करने के लिए बच्चे उतरे थे इसके एक तरफा बच्चों ने चाहे किसी पार्टी का हो इसकी आवाज़ उठाई कोई, थी कोई तो न्यू था आपने उनती भड़का दिया अगर मैं उनको भड़काता तो आज तक उनसे मैं गलत काम करवाता आज तक मैंने किसी भी बच्चे को स्ट्राइक करने के लिए नहीं कहा जैसे बाकी बच्चे क्या करते हैं दिग्विजय चौटाला के बच्चे आते हैं और आके बच्चों को धरने में बिठा देते हैं बाद में दस मिनट के अंदर दो बच्चे चाय पी के बाहर आ जाते हैं मैं चाहता परसों स्ट्राइक कर सकता था मैं चाहता कल स्ट्राइक कर सकता था मैं चाहता दस दिन पहले स्ट्राइक कर सकता था लेकिन मैंने बार बार एक ही बात कही है हमारी बहन बेटी का मुद्दा इसमें हम स्ट्राइक नहीं करेंगे हम बार बार अपील करेंगे उसके बाद में कल हमारे बच्चों ने एक फैसला लिया और वो फैसला लेके मुझे आदेश दिया वहाँ पे जाने का वो बच्चे बोले कि आज हम ढाई सौ तीन सौ की संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं और हमारी इतनी हिम्मत नहीं है हम एक मंत्री से लड़ाई लड़ लें तो हमारा एक फैसला है जो हम आपको आदेश दे रहे हैं आप हमारे साथ चलो और प्रिंसिपल मैडम से हम ये कहेंगे कि कल एक हज़ार की संख्या के अंदर हम सारे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपना अपना आई कार्ड डाल के लाएंगे और सारे मीडिया के सामने पचास साठ मीडिया बुला के अपनी अपनी डिग्रियाँ फटने का काम करेंगे और बाद में मैडम को हम एक घंटे का टाइम देंगे और ये कहेंगे ये हमने अपनी लिस्ट आपको दे दी एक घंटे में हमारे एक हज़ार बच्चों के नाम काट दिए जाएं अब इस कॉलेज में सिर्फ मंत्रियों की औलाद पड़ेगी हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे उसके बाद में हम गए हैं बच्चे हमारे साथ गए हैं पत्रकार बंधु हमारे साथ थे हमने रिक्वेस्ट करी थी मैडम से बोला मैडम संविधान को ख़त्म मत करो आप एक बहुत बड़े संवैधानिक पद के ऊपर हो अगर आप मजबूर हो क्योंकि हमें पता है आज आरएसएस का आज बीजेपी का जे जेपी का हद कॉलेज यूनिवर्सिटी पे कब्जा हो चुके हैं आप जैसे ईमानदार आज जो प्रिंसिपल बैठे हैं अगर आपकी वो मनमानी कर रहे हैं आपको ट्रांसफर कर रहे हैं हम आपका साथ देंगे लेकिन इन बच्चों के लिए आप प्रधानमंत्री हो आप इनकी आवाज़ उठाओ तो मुझे लगता है मैडम की भी ये चीज़ दिमाग में आई और मेरे ख्याल में मंत्री जी के भी दिमाग में आई कि ये तो तेरे लेने की देनी पड़ेगी बहुत चीज़ उल्टी पड़ चुकी है छात्र युवा तेरे खिलाफ हो चुके हैं तो बाद में उनको मजबूरी में आदेश पारित करना पड़ा कोई भी बच्चे की एंट्री कॉलेज के अंदर नहीं होएगी चार पहिया वाहन वर्जित है कोड ऑफ कंडक्ट हर कोड ऑफ कंडक्ट सुन के तो मुझे संविधान याद आ गया जिस संविधान की दजिया मंत्री जी ने उड़ाई थी ना बाद में उसी संविधान का सारा लेके इन्होंने गाड़ी को बंद करवाने का कार्य और छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई इस चीज़ में एक स्टिकर ने लेके भी बवाल हो रहा था अगर स्टिकर एम एल ए का गाड़ी है ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं अगर कोई भी एम बन जाता है ना तो उस टाइम में बड़े हमारे समझदार होते थे लोग उन्हें पता था कि कोई भी एमएलए बन जाएगा ना तो ये रोड के आदमी एमएलए बनने के बाद करोड़पति हो जाएंगे और जनता रोडपति हो जाएगी तो एमएलए बनने के बाद ये पंद्रह पंद्रह बीस बीस गाड़ियाँ लेंगे बड़ी बड़ी महलों में घूमेंगे तो उसके बाद में तीन स्टिकर अलॉट किए जाएँ कि एक एम तीन गाड़ियों पर अपना स्टिकर लगा लेता है लेकिन इसके साथ साथ एक आदेश और पारित किया गया उस टाइम संविधान के हिसाब से अगर आपने अपने तीन गाड़ियों पर स्टिकर लगा रखे एम एल के तो उसमें एम मौजूद होना चाहिए तो मैं एक चीज़ और कहता हूँ देखो हमारे राज्य मंत्री अनूप दानक जी हैं आज वो राज्य मंत्री बने हैं इतने बड़े उद्योग के ऊपर हैं छात्र इतों की वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिग्विजय सिंह भी बातें करते हैं तो वो इतने पागल तो हैं नहीं कि वो अपनी बेटी की गाड़ी पे स्टिकर लगा के अपनी बेटी को भेजेंगे तो मुझे लगता है जो हमारे संविधान ने हक दिया है ना कि इंसान जब तक जीवित रहता है वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में अनूप दानक जी खुद पढ़ते थे बस मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ अनूप जी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो कौन सा आपका रोल नंबर है और क्या क्या वो चीज़ है अपना वो चीज़ें बता दो आप इतने पागल तो हो नहीं अपना स्टिकर अपनी बेटी को देकर उसको भेज दोगे आप खुद ही पढ़ते हो बस अपना डिटेल हमें बता दे दो आप कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हो या तो हो गया अपनी लड़ाई लड़ाई, लड़ाई समाधान के हुआ है समाधान छात्रों की जीत हुई है छात्र एकता की जीत हुई है छात्रों के संघर्षों की जीत हुई है जो बच्चों ने दो दिन तक हमारे छात्र छात्राओं ने लड़का लड़कियों ने लड़ाई लड़ी थी ना उसकी जीत हुई और जीत होके मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ इसका सर्कुलर पारित हो चुका है कि अब से कोई भी वीआईपी वी कल्चर गवर्नमेंट कॉलेज में लागू नहीं होगा हमें नहीं पता देश कब आज़ाद होएगा इस काली सरकार से लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज आज़ाद हो चुका है छात्रों ने अपनी जीत मुकर कर ली है वीआईपी कल्चर कब तक लागू हो रहा था यो आ सिर्फ ही से इस कॉलेज में सारा हो गया हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी के अंदर इस बात पे अगर हम आई जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज हरियाणा के हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी निंदनीय बात है ये संघ के विस्सी बैठे हैं बीजेपी के वीसी बैठे हैं या फिर जेजेपी के प्रिंसिपल्स बैठे हैं और जहां हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं वहां पे कल्चरल प्रोग्राम होने चाहिए दूसरा हमारा हिंदुस्तान देश एक क्रांतिकारियों का देश रहे हमारे क्रांतिकारियों की कमी नहीं रही हमारे शहीद आजम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त तो बिस्मिल्ला खान सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बारे में पढ़ाना चाहिए सिखाना चाहिए वहीं दूसरे दिन हिंदू मुसलमान के प्रोग्राम होते हैं धर्म के नाम पे लड़वाने के प्रोग्राम होते हैं तो बहुत इसमें मजबूर हो चुकी हैं और ये चीज़ तो सामने आ गई गवर्नमेंट कॉलेज में जीत करवा ली मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ जैसे भी हैं छात्रों के साथ हैं आपकी लड़ाई लड़ते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में किसी भी छात्र को अगर ऐसा नेपोटिज्म लग रहा है और उसको ये चीज़ लग रही है कि आपको कीड़ा मकोड़ा दिखाया जा रहा है और इन बड़े बड़े मंत्री संतरियों के रिश्तेदारों को औलादों को आपसे बड़ा दिखाया जा रहा है आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे और दूसरी बात मैं कल से एक चीज़ और देख रहा हूँ आज जे वालों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा इनको पता है कि की इन्होंने हत्या करी है ये बस एक बात बार बार कह रहे हैं बोला लड़की का मुद्दा उठा लिया लड़की का मुद्दा उठा लिया तो आपके माध्यम से इनसे एक बात पूछता हूँ बड़ी विंद्र आराम से प्यार से इनसे मैं पूछता हूँ आप बस मुझे एक बात बता दो कोई भी जे जे का आदमी एक असंवैधानिक तरीके से गाड़ी के ऊपर जेड ब्लैक फिल्म करा के एम का स्टिकर लगा के संवैधानिक है या नहीं है दूसरी बात है दस दिन से हमने इसका मुद्दा नहीं उठाया दस दिन से हमने कोई ऑडियो वायरल नहीं करी दस दिन से हमने कोई बहन बेटी का नाम नहीं लिया आज भी हम कोई बहन बेटी का नाम नहीं ले हम बार बार अनूप दानिक जी को कह रहे हैं क्योंकि उनको घुसाने वाले वो हैं आप इस चीज के ऊपर बताओ ना कोई भी इंसान जो सरकार में इनके चिंटू कैंडी बनकर इनकी दलाली कर रहे हो अरे मेरे भाई अभी भी कहता हूँ इस चीज से बाहर आओ जब तक आप लोग अपने नेताओं से आंख में आंख मिला के सवाल पूछना नहीं सीखोगे तब तक आप इनके चिंटू कैंडी बने वो चिंटू कैंडी बन रह जाओगे एक बात और मैं बड़ी चीज करता हूँ मेरे ऊपर इल्जाम तो लग गए जे जेपे तरफ से कि इन्होंने साहिल ने तो क्या करा लड़की का मुद्दा उठा लिया और कर लिया गवर्नमेंट कॉलेज में अनूप जी की बेटी के लिए बहुत लड़ी क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में पांच हजार बच्चे पढ़ते हैं जिसमें सेवेंटी परसेंट लड़कियाँ हैं उन्हीं लड़कियों के अंदर अनूप जी की बेटी हमारी गुड़िया हमारी बहन शुमार है वहां मैंने घास कटवाने की लड़ाई लड़ी और एन एस एस ग्राउंड से घास कटवाई वहाँ भी मेरे ख्याल में मंत्री जी की बेटी बैठती है तो मैंने उनकी जीत करवाई पानी के मैंने संघर्ष करा पानी की मैंने जीत करवाई मैंने नई आरो लगवाई वही मैंने मंत्री जी की पा स्वच्छ पानी पिलाया मैंने उनकी जीत करवाई वहाँ मैंने सफाई अभियान चलाया और छः घंटे अपने हाथ से हमने झाड़ू लगा के उसको साफ़ कराया वो गंदगी मैंने अनूप धानक जी की बेटी के लिए साफ़ करी है वो वहाँ जाती है कैंटीन के अंदर बैठती है उस कॉलेज के अंदर मैंने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया एक के क्लास के अंदर मैंने बच्चों को समझाया बेटा नशे से दूर रहो तो उसके अंदर ही मुझे लगता है अनूप दानक जी की बेटी किसी का किसी आसपास का फायदा हुआ है तो मैंने इनकी लड़ाइया बहुत लड़ी है हम अगर आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं तो अगर आप गलत हो हम आपके सामने बोलेंगे हम आपके खिलाफ खड़े होंगे और अंतिम हम शास्त्र हम खिलाफ खड़े होंगे कुछ देर पहले आप किसी बयानबाजी का भी जिक्र करण लाग रहे थे कि छात्रा ने लेकर कोई बयान को आया देखो बयान तो वैसे हमारे माननीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी हैं जो ऐसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में मेरे से बड़ा छात्र नेता कोई भी नहीं है बड़ी हैरानी होती है एक बारहवीं पला एक बारहवीं प्लास एक प्लस टू पास आदमी एक छात्र नेता होने के बड़े बड़े दावे करता है हमेशा उनने बड़ी उलझुल बातें करी है गीतिका वाला केस हुआ था गोपाल कंडे ने हमारी एक बहन की हत्या आत्महत्या करी थी गोपाल कांडे के का कारण उसकी उन्होंने लड़ाई लड़ने का टकौसला किया था बाद में हमने उसकी लड़ाई लड़ी थी दिग्विजय के साथ लग के हमारे मुग्ध में लगे हमारे लट लगे बाद में गोपाल कंडा को चाचा बना के उसके लिए वोट मांगे बाद में दिग्विजय चौटाला जी ने आदमपुर में पूरी गाड़ियाँ निकाली बोला कुलदीप बिश्नोई ने नाश कर दिया सर्वनाश कर दिया ये है वो है कुलदीप बिश्नोई को चाचा बनाया

राजनीति को खत्म करने पूंजीवाद पर हथोड़ा चलाने का एक ही तरीका है छात्र संघ चुनाव चुनाव से निकला प्रोडक्ट अच्छी राजनीति करता है इतिहास गवाह है इसलिए हाथ जोड़ के अपील है कि मेरी बात को माने सभी लोग माने मुख्यमंत्री जी माने उप मुख्यमंत्री जी माने सभी माने तो आपने ये सब सुना आज हमारे बड़े माननीय बारहवीं पास से स्टूडेंट लीडर दिग्विजय जी ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद को खत्म करने के लिए धन्ना सेठों को खत्म करने के लिए वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है सबसे पहली बात तो मैं आज बहन जी आपके माध्यम से एक बड़ा सवाल यह निशाना खड़ा करता हूँ दिग्विजय चौटाला जी के ऊपर आप धन्ना सेठों को खत्म करने की बात कर रहे हो वी कल्चर को खत्म करने की बात कर रहे हो छात्रों को गरीबों को दलितों को आगे लाने की बात कर रहे हो जबकि आपकी ही पार्टी के राज्य मंत्री अनूप दानक जी की बेटी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एम का स्टिकर लगा के वी कल्चर के अंदर एंटर करती थी आप उसके ऊपर क्यों हो क्या आपको दो साल से पता नहीं था कि कि कल्चर चल रहे क्या आपको पता नहीं कि आपके ही पार्टी के साथ ही हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी के अंदर वीआईपी कल्चर चलाते हैं डकोसले करते हैं छात्रों को बरगड़ाते हैं उनके लठ लगवाते हैं मुकदमे पता नहीं इस चीज का तो आप बच्चों को बरगड़ाने की बात बाद में करना सबसे पहले तो अपने राज्य मंत्री अनूप दानक जी से आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से उनके सामने उनसे जवाब पूछें उनका जवाब ले उसके बाद में उनकी बात करें उसके बाद में आप ये लड़ाई सबसे पहले अपने मुंह से ये बात कहें आज मेरा भाई अगर सरकार के अंदर बैठे हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे छात्रों से मतलब है मेरी लड़ाई मेरे भाई दुष्यंत के साथ है और मैं सभी छात्रों से कहता हूं कि इन सौ के छात्र दुष्यंत चौटाला ही को ठीक और धरने के ऊपर बैठ जाओ और वहां हम लड़ाई लड़ेंगे फिर हो सकता है कि छात्रों को लगे कि आप उनकी हितों की बात कर रहे हो नहीं जो आपने करे हैं सब समझ चुकी हैं इन टकौसलों को बंद करो भाई और हकीकत में छात्र हितों को बात करो आपको इस बात का पता है दिग्विजय जी अगर जिस दिन छात्र संघ चुनाव बहाल हो गए तो उस टाइम आपका नंबर नहीं है आपके भाई का नंबर नहीं है हर यूनिवर्सिटी से हर कॉलेज से ऐसे ऐसे, ऐसे छात्र नेता निकलेंगे जो पहले इस कॉलेज को संभालेंगे यूनिवर्सिटी को संभालेंगे और बाद में इस देश को संभालेंगे आपको खतरे हैं उनसे आप डरते हैं उनसे इसीलिए आप ज़िंदगी में कभी भी छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होने दोगे मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का तो वही आपने ये जानकारी किसी ला आपने वो बतायो पूरा का पूरा मामला आपने देखा शुरू तो लेकर लास्ट तक का कुछ वीडियो जैसी हैं जो उस टाइम की हैं जो इन मतलब उस टाइम वहाँ मौका पर थे स्टूडेंट साथ में थे वो आप स्क्रीन पर आपने देखने जरूर दे के लागे लागेगा कमेंट सेक्शन में अपनी मतलब राय जरूर रखियो मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक के लिए राम राम